बोलो सदगुरु देव की जय। हम इस वक्त यहाँ पर लियारी स्लॉटर हाउस के पुराना कमेला जिसको शाबेक लेन के सामने हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मोहल्ला आज से करीब पाकिस्तान पार्टीशन से पहले का यहाँ पर आबाद था। उस वक्त जो है ये मोहल्ला कच्ची आबादी कहलाती थी, फिर उसके बाद यहाँ उसको भूंगा हम लोग कहते थे, और फिर हमने यहाँ पर ये रामदेव पीर का मंदिर जो है, उस वक्त हम यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी और हमारी बलोच कम्युनिटी बाहर में, और साथ में हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है यहाँ पर रिहाइश पसीर थी, और फिर हमने ये रामदेव पीर का मंदिर पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर आबाद है, और इसको तकरीबन 100-150 साल हो चुके हैं, और ये मंदिर कदीम मंदिर है। Place where we stand, it's looking is a worth efforts of our ancestors, wherein called Mr. Ramji Dada Chauhan, who is a bhakt of Shri Hanuman Jati Bapuji and Shri Ramdev Ji Peer. He initiated the prayer of Shri Ramdev Ji Peer and Radha Shyam Prabhu. In the year, this is a matter of last century, one century, before one century. Then our other elders and forefathers walk on their way, and what we see, this is the efforts of that all our ancestors. Thank you. मेरा नाम कल्याण राघव पटेल वाघेला, और हमारी जन्मभूमि स्लॉटर हाउस की है। मैं दी काठियावाड़ी हरिजन जमात का पटेल हूँ, और यहाँ पे पैदा भी यहीं हुआ हूँ, और हमारे बाप दादे के ज़माने से ये चल रहा है। सर, ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले का पूरा नाम क्या है? इसे स्लॉटर हाउस, केएमसी कंपाउंड कहते हैं, यार रोड भी कहते हैं, कमेला भी कहते हैं। कौन सी कम्युनिटीज यहाँ पर आबाद है? यहाँ पे क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, काठियावाड़ी भी है। और ये कब से आबाद है? ये जब हमारे बाप दादे के टाइम से, तकरीबन 150-200 साल पहले से। मतलब आपका कहने का है कि 150-200 साल पहले? जी 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 जी, 150-200 साल पहले से यहाँ पर आबाद, यानी पार्टीशन से पहले से। पार्टीशन जो है ब्रिटिश के टाइम से, ब्रिटिश के दौर से ही यहाँ सब लोग आबाद है। जी हाँ। और सर, यहाँ पर क्या क्या इस मोहल्ले के अंदर मंदिर? रामदेव, सर रामदेव पीर मंदिर पहले छोटा था, अब हमारे बच्चों की मेहरबानी से और हमारे बुजुर्गों के हाथ से ये थोड़ा बड़ा बना दिया गया, और हमारे तीन पार्टियां हैं जो हरे कृष्णा, और उसके अलावा जय हनुमान जति और काठियावाड़ी जमात, ये तीनों मिलके यहाँ पे हम अपना मंदिर बना कर रहे, और क्रिश्चियन हमारे बराबर में है,
वो भी हमारे साथ भाईचारे में है, और हमारे सामने गुरुद्वारा है गौर बापू का, समझे, अमीर बापू के टाइम का, समझे। हम तकरीबन, मुझे इस वक्त यहाँ पे 75 साल हो गए पैदा होकर बड़े होने में, आगे का कोई पता नहीं। सर, पहले कितने घर हुआ करते थे और आज कितने हैं? पहले कम से कम 200-250 से आगे थे, लेकिन इस वक्त जो है थोड़ा कम यूं है कि मसला कुछ ऐसा हो गया था जो लोग भागे थे यहाँ से। नेसेसरी लोग आजकल फ्लैटों में जा चुके हैं। जी हाँ, नया कल्चर, नया वैल्यू उन्होंने अपनाया है इस वजह से। यहाँ से पीछे से बिल्डिंग टूटने से काफी लोग हमारे यहाँ से चले गए। टीएमसी की एक बिल्डिंग थी जिसमें कम से कम 20-25 घर थे, समझे। वो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, या आप लोगों को कितनी यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी? सर, सेफ्टी अच्छी खासी, हमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, समझे। वैसे हम जो भी काम करते अपने सब बच्चों को लेके भाईचारा से अपना काम करते, और कोई हमें किसी से शिकायत नहीं है। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ पर सुना है कि इसी मोहल्ले के अंदर बहुत बड़े बड़े संत जो पहले के थे, या महात्मा कह ले, जो भी इस मोहल्ले से निकले, तो कौन कौन से यहाँ से निकले? सबसे पहले रामा दादा थे, हम तो देखा ही नहीं थे, लेकिन रामा दादा, मतलब वो आपकी पैदाइश भी पहले के? जी 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 जी। और सर, कौन कौन से यहाँ पर संत वगैरह महात्मा हुए? सीधी पूंजा राठौड़ बाबा, मेपा रत्ना राठौड़ बाबा, सोलंकी बाबा, समझे, लखा जीवा पटेल, विश्राम पटेल, समझे। और उसके बाद भगवान ने की दे आगे चले तो हमीर बाबा थे, जयराम बाबा थे, समझे, मंजी बाबा थे, जीवन भगत थे, समझे, जीवन भगत थे, देवसी बाबा के सारे, मतलब आपके पुराने बुजुर्ग वगैरह या बड़ी, हम उनके बच्चे, हम उनके बच्चे, आप उनके औलाद हैं। यानी ये आप जो बता रहे हैं 150-200 साल पहले की बात बता जी, जी 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 इस मोहल्ले जी जी जी। और ये मोहल्ला जो है कि पार्टीशन से पहले का ये मोहल्ला यहाँ पर आबाद है। जी हाँ, और ये हमारे यहाँ पे दयालाल मुर्जी साहब भाई भी थे, मुर्जी बाबा भी थे, दयालाल साहब के बुजुर्ग, समझे, वो भी। ओके सर। ये तकरीबन मुहूर्त हमारी जो है 13-14 साल हो गए इस मुहूर्त को, नया निर्माण। जी जी जी। और जो पीछे का जो हनुमान जी का ये मंदिर है जो इस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर जो है ये कब बना है पीछे? इसको राम भगवान के ये मंदिर को तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गया, 11 साल के अंदर। वैसे ये जगह कितनी पुरानी है? ये जगह तो समझो मेरी पैदाइश से भी पुरानी है, तकरीबन 40-50 साल से ऊपर ही है, 50-60 साल से या 70 साल से ऊपर ही है, जितनी मुझे समझ है होगा उससे पहले। मतलब ये कहते हैं कि पार्टीशन से भी पहले की है? बिफोर, कंफर्म है ये बात, तो कि बिफोर पार्टीशन यहाँ पे मंदिर है। थैंक यू सर, धन्यवाद। कान्हा का जन्मदिन आई है सुना, गोकुल की गलियों में मची है धुनो, माखन चुराए करेंगे ढोल नगाड़ो संग छेड़े मस्करा, जय कन्हैया लाल की, सजनी संग प्यारी मल्ला बनवो धूमधाम, कृष्ण जी मारे मैं रमेश लाल जी चौहान, स्लॉटर हाउस लियारी केएमसी कंपाउंड में द काठियावाड़ी हरिजमन जमात का एक सेवादारी बोल रहा हूँ। मेरे कहने का ये तात्पर्य कि ये मंदिर जो है आज से तकरीबन 200-250 साल, क्या नाम है इस मंदिर का? इस मंदिर का नाम है श्री रामदेव पीर मंदिर, जहाँ पर हम लोग सेवादारी है। ये मंदिर तकरीबन 200-250 साल पुराना है, जिसके हमारे आबा अदाजाद जो सेवा करते हुए आए उसकी बदौलत हमें ये सेवा मिली है। और बात रही हमारे हरे कृष्ण संप्रदाय की, तो हमें हमारी जमात की तरफ से ना बड़ा, मतलब एक अच्छा वो था, सपोर्ट था, कि जिनकी वजह से हम लोगों ने भगवान की स्थापना की आज से 35-40 साल पहले, और जिनकी वजह से हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं।
और बड़ी और भगवान की ऐसी कृपा है कि हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है और बड़ी शौक से हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। सालाना कोई ऐसा इवेंट जो जी हाँ हरे कृष्णा के हवाले से मनाया जाता है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे वैसे तो बहुत इवेंट्स हैं लेकिन सब में तो मखसूस एक इवेंट है जो खास हम मनाते हैं 5 फरवरी का, जो हमारी भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की स्थापना उत्सव है, जिसके अंदर कम से कम 500-600 पब्लिक आती है और सबको हम लोग सेवा का मौका। हमारे सेंटर का नाम है श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र सेंटर। हरे कृष्ण।